हेलो एवरीवन सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अ एनसीईआरटी क्वेश्चन व्हाई डज ड्राई एचसीएल गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर ओके यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हम एचसीएल गैस ले रहे हैं नॉट द सॉल्यूशन एंड जो लिटमस पेपर है वो है ड्राई ठीक है तो गैस ले रहे हैं एंड ड्राई लिटमस पेपर ले रहे हैं पहले आपको पता होना चाहिए जो एसिड्स होते हैं देखो जो एसिड होता है एसिड क्या करता है वो लिटमस पेपर को जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको टर्न करता है रेड में ओके okay? इसी से हम बाय लिटमस पेपर डिटेक्शन करते हैं एसिड का ठीक है नाउ क्या हो रहा है कि द कलर ऑफ द लिटमस चेंज होता है ड्यू टू जो ये कलर चेंज मैं आपको बता रही हूँ वो एक्चुअली होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द एच पॉजिटिव आइंस गिवन बाय द बाय एन एसिड ठीक है तो ये ड्यू टू एच पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एन एसिड इसकी वजह से ये कलर चेंज होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कलर चेंज किस वजह से हो रहा है ओके okay? ना एक चीज देखते हैं हम जब हम एक्वस वैसे यहाँ पर एक्वस नहीं है लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया होता ठीक है एच सी एल लिक्विड फॉर्म में दिया होता तो क्या होता है एच सी एल इन वाटर अगर दिया होता तो ये डिसोसिएट कर देता अपने आयंस एच पॉजिटिव यहाँ गया क्लोराइड यहाँ पर गया अब अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है तो हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव होते हैं इसे कंबाइन करके हम कई बार क्या करते हैं हाइड्रोनियम ही लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि एच पॉजिटिव आइन्स यहाँ पर फ्री फॉर्म में है ओके ये केस रहा जब हमने एक्वस हमें बोला होता लेकिन एक्वस नहीं बोला है यहाँ पर क्या बोला है ड्राई ठीक है सॉरी यहाँ पर क्या बोला है गैस गैस का मतलब क्या है कि ये गैश फॉर्म में और जो भी गैशियस फॉर्म में है अगर एक्वस में एसिड नहीं है तो वो डिसोसिएट नहीं करता इट डज नॉट इट डजन डिसोसिएट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन तो डिसोसिएशन नहीं होगा एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा अब क्या होता है हमें फ्री एच पॉजिटिव नहीं मिल रहा है यहाँ से क्योंकि ये गैश फॉर्म है इसीलिए क्या होता है इसीलिए जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा एक और बात ठीक है यहाँ पर ड्राई क्यों लिखा है क्योंकि मान लो कि अगर ये लिटमस पेपर किसी तरह से वेट दिया होता तब भी यहाँ पर कलर चेंज हो जाना था क्यों क्योंकि लिटमस पेपर में वाटर है ठीक है वो वेट है तो उस पर वाटर है तो एक्सिल ने क्या करना था लिटमस पेपर में जाके मिलके उसने क्या करना था वाटर के साथ मिला के ये इक्वेशन दे देनी थी और यहाँ से आपको H पॉजिटिव आयन मिल जाना था लेकिन दूसरी कंडीशन भी यही है कि ड्राई पेपर है तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती इसीलिए दोनों कंडीशन ऐसी है कि वहाँ से आपको H पॉजिटिव आयन डिसोसिएटेड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं हो रहा है सो so, तो आंसर क्या रहेगा इन दिस केस नाइदर एच सी एल इज़ इन एक्वस फॉर्म ठीक है एच सी एल भी एक्वस फॉर्म में नहीं है और ना ही नॉट द लिटमस पेपर इज़ वेट ना ही लिटमस पेपर वेट है ना ही आपको एच सी एल एक्व फॉर्म में दिया है सो द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज बिकॉज हमें फ्री एच पॉजिटिव आइंस नहीं मिल रहे हैं और हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है जो एसेड्स होते हैं एसेड्स डिसोसिएट करते हैं एक्व सोल्यूशन में ठीक है जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तभी उनका डिसोसिएशन होता है जैसे गैशेज फॉर्म वगैरह है वहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होता इसलिए वो लिटमस पेपर को का कलर चेंज नहीं करते अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू सो मच